Hello everybody, welcome back to the channel. This is me Priyanshi and you are watching Learn with Priyanshi. So, आज का जो वीडियो है वो है टाइप्स ऑफ टीचर. ये वीडियो आप सबने बहुत रिक्वेस्ट किया था, फन एंड फन के लिए है. किसी को भी अपने कलीजे में लेने की ज़रूरत नहीं है. द वीडियो इज ओनली फॉर फन और वीडियो में आगे बहुत मस्ती होने वाली है. सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Yeah, so then the blind man and the princess held hands together and went to Bangalore से याद आया, मैं अभी recently Bangalore गई थी. मेरी cousin की शादी थी, ठीक है. हम लोग जिस resort में रह रहे थे ना, वो इतना सुंदर था, like literally इतना so beautiful. मैंने वहाँ ना बहुत सारे reels बनाए हैं. तुम लोगों का Instagram है क्या बच्चों? मुझे थोड़ा अपने ID बोलो तो मैं हाँ मैं तुम लोगों को मेरी आईडी बोल देती हूँ, क्योंकि मोबाइल जो स्टाफ रूम में और क्लास रूम में वैसे भी मोबाइल अलाउड नहीं. पता नहीं कैसे प्रिंसिपल है स्कूल के, फिर भी मैं तुम लोगों को बोलती थी लर्न अंडरस्कोर विद प्रियांशी फॉलो कर लेना, ठीक है. बहुत मस्त मस्त रील आती है, ठीक है. फिर भी हाँ मैं और क्या बोलने वाली थी, वो शादी जो था ना मंडप ओके था और जो दुल्हन का ड्रेस था सो बैड. मतलब लिटरली एक्चुअली आजकल ना पेस्टल कलर के लहंगे इतने ट्रेंड में, दे लुक सो एस्थेटिक या. और उसने ना रेड कलर का पहना था, वो भी उस उनकी मम्मी का, तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा. हाँ बट विंटेज था सो या. हमारा क्या मैम, आपने गुलाब जामुन खाए? हाँ बेटा गुलाब जामुन. हाँ मैं बताती हूँ कि स्वीट्स में वहाँ क्या क्या थे. तो स्वीट्स में ना उनके पास थे गुलाब जामुन. मैं क्या ही बताऊँ, बेल रिंग हो गई. आज तो खत्म नहीं कर पाई ये चैप्टर, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, ठीक है. चल मैं चलती हूँ. हाँ सो वाटर बॉइल्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और वी कैन से 100 डिग्री सेल्सियस. ओके मे आई गेट इन मैम? ये क्या है, पूरे 2 मिनट लेट. ये घर समझ रखा है, जब भी मन करे आ जाओ. ये कोई टाइम है क्लास में आने का? और ये क्या बाल ऐसे खड़े रखे हैं? व्हाइट यूनिफॉर्म के साथ ब्लैक शूज क्यों? तुम्हारे पिताजी का बागीचा है, जब भी मन करे घूमने आ जाओ. हाँ गो स्टैंड आउटसाइड, आई विल नॉट लेट यू कम इन इनसाइड द क्लास. गो, क्लास के अंदर आने का नहीं, बाहर जाओ. ठीक है. yeah. बाकी सबने यूनिफॉर्म ठीक से पहने? समृद्धि इतने बड़े बड़े नाखून क्यों? मैम वो फैन जल्दी आ गई थी तो काटना भूल गई. नेल कटर है किसी के पास? और बाल खुले क्यों है, ब्रेड्स करके क्यों नहीं आई? मैम फैन जल्दी आ गई थी. मैं पीट डालूंगी एक दिन तुम सबको, तुम भी क्लास के बाहर जाओ. यूनिफॉर्म ढंग से पहन के आते नहीं, आ गए स्कूल. या सो एज आई वाज टेलिंग, water boils at 212 degree Fahrenheit and also we can say 100 degree Celsius and ice forms at 32 degree Fahrenheit or we can say 0 degree Celsius. Understood everybody? Ma'am, I have doubt. Doubt? इतने अच्छे से मैंने पढ़ाया और फिर भी तुमको doubt है? हाँ? I will not solve your doubt. I'm going out of the class. Horrible children. हेलो. हाँ मैं तुझे जल्दी ही मिल जाऊंगी. हाँ बस 15 मिनट क्लास है और हाँ मैं वैसे भी लेट आई हूँ, आधे घंटे का क्लास हो तो मैं 15 मिनट बाद आई हूँ, तो मुझे और 15 मिनट ही क्लास करना पड़ेगा. मैं रेडी नहीं हुई हूँ तो मैं क्लास में रेडी हो जाऊंगी और तेरे पास आ जाऊंगी, ठीक है. कौन सा कैफे? दूध का दूध पानी का पानी कैफे, ठीक है मैं आ जाऊंगा. हेलो स्टूडेंट्स, देखो हिस्ट्री मैंने बोला था आप लोगों को आज मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो तुम सब चैप्टर नंबर 3 मुगल पीरियड निकालो और वो सब खुद खुद पढ़ो, क्योंकि मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाना है. वो बहुत दिनों बाद आ रही है मुंबई से, भुवनेश्वर स्पेशली मेरे लिए, तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी. हाँ nice.
बाई चांस स्कूल में कोई लिपस्टिक लेकर आता है क्या? पिंक कलर का, मैं ना रेड कलर का ले आई हूँ, लेकर आता है? क्लास टीचर ने मना किया। अच्छा, नहीं लाते कोई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम लोग स्कूल को लिपस्टिक लाया करो ना गर्ल्स, तुम लोग स्पेशली कितने बुरे दिख रहे हो यार। लड़के लोग भी है, थोड़ा सा मेकअप वेकअप लगाओ यार वॉशरूम में। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू? मैंने लिप ग्लॉस लिया था रिसेंटली लैक्मे का, मुझे बहुत अच्छा पड़ा है। शालिनी आई थिंक तुम्हें ये वाला लेना चाहिए बिकॉज तुम्हारे होंठ बहुत ड्राई दिख रहे हैं। नो ऑफेंस। मैंने बोला ना चिक चिक नहीं। मुझे रेडी होना है, इसके बाद मुझे क्लासरूम में तुम सबके साथ एक रील भी बनानी है, ठीक है? सो या फिक्स योर सेल्फ गर्ल्स, बिल्कुल अच्छे नहीं करो, बाल वाल खुले करो। और ये क्या इतने लंबे लंबे जोड़े बना के आ गई हो तुम? और हाँ आयुष, तुम्हारी मम्मी का बुटीक है क्या? हाँ वो डिजाइनर कपड़े बनाती है, मैं सुन रही थी। कोई एक मेरी एक फ्रेंड गई थी तो हाँ, मेरा ना रिसेंटली मतलब 2-4 दिन बाद ना मुझे ना एक पार्टी में जाना है, तो अपने मम्मा को थोड़ा सा बोलो ना कुछ अरेंज करे कुछ कपड़े। वो एक काम करो, तुम मुझे अपने मम्मा का नंबर दो, ठीक है? और कुछ चाहिए? नहीं, ठीक है। और हाँ बच्चों, मेक श्योर तुम लोग कल से थोड़ा सज धज के आओ, बिकॉज छी यार तुम लोग, तुम लोग सेक्शन सी को देखो यार, वो लोग कितने वेल ड्रेस्ड आते हैं। मतलब लड़कियां इतने भर भर के मेकअप करके आती हैं, तुम लोगों को देखो यार, तुम लोग इतना चंपू दिख रहे हो यार, छपरी दिख रहे हो तुम लोग। थोड़ा सा रेडी वेडी होकर आया करो, ठीक है? एनीवे मैं चलती हूँ, मैं तुम लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वीक में। अगर प्रिंसिपल मैम राउंड के लिए आए तो बोलना कि मेरे ना फैमिली मेम्बर के किसी के एक इंजुरी हो गई, मैं ब्लड डोनेट करने के लिए जा रही हूँ, सब बोलना, ठीक है? और शालिनी खबरदार, फिर से प्रिंसिपल मैम को बोला कि मैं घूमने गई हूँ, मैं ना 2-4 मार देना है तुम्हें, ठीक है? मैं जा रही हूँ, बाय। हाँ मैं पहुंच रही हूँ, दूध का दूध पानी का पानी कैफे। सो इन विच क्वेश्चन यू आर हैविंग डाउट राहुल? क्वेश्चन नंबर 2, लुक आई एम डूइंग हियर हियर। सो इन क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ 2 नंबर इज गिवन टू यू एंड द 1 नंबर इज गिवन व्हिच इज 98 एंड द सम इज गिवन, सो वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर। लेट द अदर नंबर b x, okay, so 98 plus x is equals to 100, so x will be equal to 100 minus 98, right or not? Yes, sir. Yes, sir. X equals to what? 2. Very easy. How can you not do this type of question, Rahul? Shame. Very easy. Shalini would have done it in 2 minutes. My daughter, very good in math. Very good. Just like her father. Anyway, in any other question, anyone having doubt? No one? Okay, then start exercise 4.2 and finish it till the bell rings, okay? I will make a Facebook ID. My Facebook ID, which ID I should make, what name? Done everyone, I am hungry, recess is about to come. Do quickly, this question you write Rahul in your copy. Yeah, I have brought aloo paratha today, I am going. And if principal come, tell him I have my beti ke shadi, so I am going, okay? Bye. Good afternoon, children. Free period. तुम लोगों का free period है ना, इसलिए मैं आई हूँ तुम लोगों का free period लेने, और तुम लोगों को बहुत पसंद है फ्री पीरियड, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मुझे भी एक
रजिस्टर में मेरे डिटेल्स लिखना है, तो तुम लोग अभी जो चाहो कर सकते हो, आवाज़ शोर जो करने कर सकते हो, लेकिन थोड़ा धीरे करना बच्चों, क्योंकि प्रिंसिपल मैम आ गई ना, तो फिर हम सबको डांटना पड़ेगा, ठीक है? अरे तुझे पता है मुझे नहीं था। हाँ यार मैं अरे कल एसएसटी का देखा। एग्जाम। मैं मोबाइल ना स्टाफ रूम में रख के आ गई हूँ, वरना अभी हम लोग रील बनाते हैं और ये रजिस्टर तो बाद में लिखा ही जा सकता है। हो गया। अभी मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा सा बतियाने वाली हूँ। पूजा, तुम्हारी मम्मी का तबीयत ठीक हुआ? मैंने जो मेडिसिन बोला तो उन्होंने लिया ना? हाँ मैम। देखा, मुझे पता था, मैं जो मेडिसिन बोलती हूँ ना बहुत अच्छा होता है, मतलब तबीयत ठीक हो जाती। मैं तो खुद मेरा तबीयत खराब होने से वही वाला मेडिसिन लेती हूँ, है ना? सब क्या क्या लेकर आए थे रिसेस में? मुझे ना खाने के लिए टाइम ही नहीं मिला, मतलब क्लास टू के बच्चों का ना इतना इंग्लिश लिटरेचर का इस बार पोर्शन है, हर एक का मुझे क्वेश्चन आंसर बनाना पड़ा। प्रिंसिपल भी ना बहुत दिमाग खाते हैं। हाँ मैं मम्मी भी बहुत होमवर्क दिया। अच्छा, कल मेरा क्लास है ना तुम लोगों के सेक्शन में? यस मैम। तुम लोग एक काम करो, मैं मुझे ना फिर टाइम नहीं होगा तुम लोगों का होमवर्क चेक करने के लिए, तो तुम लोग होमवर्क मत कर कराओ। फिर मैं कितना चेक करूँ, मतलब वो टू क्लास के बच्चों का मुझे फिर रजिस्टर में लिखना विखना है ना सब, फिर वो मैं क्लास में लिख लूँगी, तुम लोग अपना अपना पढ़ते रहना। हाँ ओके मैम। हाँ ठीक है, मत कर कराना होमवर्क, मुझे फिर चेक करने में बहुत स्ट्रेस हो जाता है। फिर 7th क्लास का पढ़ाई, 2 क्लास का पढ़ाई, मतलब दिमाग ही खराब हो चुका है मेरा। फिर ये 5th स्टैंडर्ड का फिर अगले हफ्ते टेस्ट भी है। ओ क्लास खत्म हो गए। मुझे पता है आज का क्लास बहुत बोरिंग था, बट ट्रस्ट मी, ट्यूसडे हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और मैं प्रिंसिपल से बोल के तुम लोगों के क्लास में एक स्मार्ट बोर्ड भी लगाने वाली हूँ, तो हम लोग स्मार्ट बोर्ड से देखते हैं कि पढ़ेंगे। ओके, नो बोरिंग व्हाइट बोर्ड, इसको हटा देंगे, ठीक है, मेरे क्लास के लिए। फिलहाल मैं चलती हूँ, मेरे क्लास पसंद है सबको? एज ऑलवेज। हाँ मैम, बहुत यही मजा मैं आया। चलती हूँ, बाय बच्चे। ओ बाय। कैसा लगा वीडियो? मैंने बोला था ना अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा ना? डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो। और मैंने आप लोगों को बोल ही दिया था कि मेरा इंस्टाग्राम जो बोल लर्न विद प्रियांशी, यू कैन चेक दैट आउट। कमेंट करना कि आप लोगों ने और कौन कौन से टाइप्स के टीचर्स देखे हैं, एंड ये भी बोलना कि इन सारे टीचर्स में से आप लोगों का फेवरेट टीचर कौन था। एनीवे, बाय बाय, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।